तो बच्चों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल करियर पॉइंट रजौरी में। तो जैसे कि आपने अभी तक देखा है, हमने पढ़ा है सिर्फ सर्कल का इंट्रोडक्शन। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं सर्कल चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में है फिलिंग द ब्लैंक्स। अब फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको कहा गया है कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। मतलब यहां पे क्या कहा गया है कि एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो डैश ऑफ द सर्कल बोला गया। मतलब कि आगे ब्रैकेट में दिया गया है या तो एक्सटीरियर है या तो इंटीरियर है। अगर एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर में सर्कल का सेंटर नहीं होता है, सर्कल का सेंटर हमेशा सर्कल के अंदर होता है, मतलब यहां पे। ठीक है जी। तो ये आपका जो है फर्स्ट का आपका ब्लैंक जो होगा उसमें आएगा इंटीरियर। फर्स्ट ब्लैंक क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आएगा इंटीरियर ऑफ सर्कल। ठीक है जी। तो सेकंड बोला गया अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाई इन डैश ऑफ द सर्कल। मतलब इन्होंने बोला है कोई एक पॉइंट है, ठीक है, कोई एक पॉइंट है जो कि वो कहां लाई कर रहा है, लेकिन इसका जो डिस्टेंस होगा दैट इज ग्रेटर देन रेडियस। मतलब ये रेडियस है तो रेडियस से बड़ा अगर यहां पे देखा जाए कि इसके बराबर में एक पॉइंट मैंने लगाया गया है, ये तो ये जो होगा वो रेडियस से बड़ा होगा। ठीक है। अब रेडियस से बड़ा होगा और वो पॉइंट कहां लाई कर रहा है, यहां पे दिया गया है एक्सटीरियर और इंटीरियर। अगर यहां पे है तो दैट मींस कि वो सर्कल के एक्सटीरियर में है। ठीक है जी। सेकंड पार्ट में है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर। ठीक है जी। थर्ड ब्लैंक्स, अब पढ़ते हैं थर्ड ब्लैंक्स में क्या बोला गया है कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डैश ऑफ द सर्कल। अब देखो जी, इसको हम मिटा देते हैं। इन्होंने बोला है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अगर लॉन्गेस्ट कॉर्ड की बात करेंगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैंने इंट्रोडक्शन दी थी उसमें मैंने बोला था कि डैश इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगा? डायामीटर। तो डायामीटर जो होगा वो आपका थर्ड आंसर होगा। ठीक है जी। अब आते हैं फोर्थ ब्लैंक्स की तरफ। अ फोर्थ ब्लैंक में कहा गया है एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट एंड्स आर द एंड्स ऑफ द सर्कल। मतलब देखो, अब एंड्स क्या लिखा था, व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। अब इन्होंने बोला कि ये हमारे पास एक आर्क है, ठीक है, ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, तो जो आर्क है उसके जो एंड होंगे वो इस डायामीटर के एंड होंगे। अगर लेट अस सपोज ये वाला ऊपर वाला हम छुपा देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक सेमी सर्कल। ठीक है जी। अगर नीचे वाला छुपा देते हैं तो ऊपर वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल। तो हमारे पास फोर्थ जो आ गई ब्लैंक्स वो क्या आ गई, सेमी सर्कल। याद रखना कि जो सर्कल के डायामीटर होंगे अगर उसके एंड जो होंगे वो आपस में कनेक्ट करते होंगे तो उस आर्क को क्या कहा जाता है, उस आर्क को सेमी सर्कल कहा जाता है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हम फिफ्थ की तरफ। हमारी फिफ्थ ब्लैंक्स क्या कहती है? इन्होंने बोला सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क। अब मैंने आपको सेगमेंट की डेफिनेशन क्या कही थी कि सेगमेंट की डेफिनेशन क्या है कि जो सर्कल है, सर्कल पे सबसे पहली बात आर्क को देखेंगे। आर्क क्या होती है? आर्क आपको पता है कि जो सर्कल को दो पॉइंट में टच करती है। ठीक है जी। आर्क क्या होती है? जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है। आर्क और ये आ गई आर्क, ये आ गई कॉर्ड। आर्क और कॉर्ड के बीच में जो पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। तो यहां पे है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड ऑफ द सर्कल, CHORD, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है जी। तो फिफ्थ ब्लैंक्स आ गया आपके पास कॉर्ड। नेक्स्ट आता है अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन। सर्कल क्या करता है?
अब देखेंगे दोबारा से, सर्कल क्या कर रहा है कि एक प्लेन को डिवाइड कर रहा है, एक प्लेन को डिवाइड कर रहा है, ठीक है जी। ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स, मतलब एक सर्कल है वो प्लेन को डिवाइड कर रहा है कितने पार्ट्स में। आप देखो जी, जैसे सपोज यहां पे है कि इधर एक, इधर करेंगे सपोज, जैसे हमारे पास है यहां पे क्या है, एक सर्कल है। तो सर्कल के मैंने आपको रीजन्स का कंसेप्ट दिया था, तो सर्कल के कितने रीजन्स होते हैं, तो आपको बोला था एक आता है इंटीरियर, एक आता है ऑन द सर्कल मतलब सर्कल वाला, और एक आता है एक्सटीरियर। तो टोटल कितने पार्ट हो गए, एक दो तीन। तो थर्ड ब्लैंक जो आपकी आती है वो आती है थ्री, ठीक है जी। ये आपके क्वेश्चन नंबर वन था फिलिंग द ब्लैंक्स। तो अब बढ़ते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स की तरफ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इसके आंसर लिखना शुरू कर दो। चलो ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, और क्वेश्चन नंबर टू जो है वो क्या है, ट्रू फॉल्स। अब यहां पे बोला गया है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, इन्होंने बोला है कि ये आ गया आपका सर्कल, ठीक है जी, ध्यान रखना। इन्होंने बोला एक लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल, अब देखना है, मैं बता रहा हूं आपको कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू, ये आ गया सेंटर, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर वो टच करता है, ये ज्वाइन करता है, सपोज इस पॉइंट पे ज्वाइन करता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको क्या रेडियस कहेंगे, क्या ये सही है ये गलत है, तो इसी को हम रेडियस ही कहते हैं। तो इसका फर्स्ट सेकंड का उसका आंसर आता है ट्रू। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड में बोला गया है अ सर्कल हैज एनी फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कार्ड्स, फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कार्ड्स, तो इक्वल कार्ड्स तो होती ही नहीं है पहली बात, अगर दो इक्वल होंगे दो से ज्यादा तो इक्वल होती नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आपका ये वाला आ जाएगा फॉल्स, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं हम थर्ड की तरफ। इन्होंने बोला है इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर, इन्होंने बोला है कि अगर हम सर्कल को तीन बराबर पार्ट में डिवाइड करेंगे, सपोज ये हमने तीन आर्क बना दी, तीन आर्क में हमने डिवाइड कर दिए सर्कल को, क्या ये सारी सर्कल जो होंगी मेजर आर्क कहलाएंगी, आपने बोला है नो, फॉल्स होगा इसका, क्योंकि तीनों जो होंगी इक्वल होंगी तो मेजर तो उनमें कोई होगा ही नहीं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ। अब फोर्थ इसमें क्या कहा गया है, अ क्वार्ट ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब जैसे मैंने आपको डायमीटर का फार्मूला बोला है, डायमीटर होता है टू टाइम रेडियस, अगर रेडियस की बात की जाए वो आता है डायमीटर अपॉन टू। इन्होंने क्या कहा है कि आपके पास एक कॉर्ड है जो कि दो गुना रेडियस का है, अगर दो गुना रेडियस का है क्या वो डायमीटर होगा, तो आपने बोलना है ट्रू, ठीक है जी, आपने क्या कहना है ट्रू। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने बोला है सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पोंडिंग आर्क, इन्होंने बोला है सेक्टर, अगर सेक्टर की बात करते हैं, सेक्टर क्या होता है कि आर्क और दो रेडियाई के बीच में जो स्पेस होती है उसको कहा जाता है सेक्टर। तो इन्होंने कहा है यहां पे कि सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पोंडिंग आर्क। तो कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड होता है कि जो पॉइंट, वो लाइन जो कि सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है, लेकिन जो सेक्टर होता है, सेक्टर में क्या डेफिनेशन है कि आर्क और दो रेडियाई के बीच में जो स्पेस होती है, जो पार्ट होता है, उसको हम लोग सेक्टर कहते हैं, ठीक है जी। तो फिफ्थ आपका आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ। अब इन्होंने बोला है अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, तो सर्कल प्लेन फिगर है, कहीं पे भी हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दिस इज द ट्रू। तो ये आपका जो है
एक्सरसाइज 10.1 है, 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आज हमने किया है। तो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो होगी एक्सरसाइज 10.2 पे। तो तब तक के लिए बच्चा जी साथ साथ में रिवाइज करते रहे, अपने नोट्स बनाते रहे। थैंक यू।